स्टिक सांभर है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से सांभर बनाओगे तो सभी को पसंद आएंगे। ड्रम स्टिक जो है बहुत बीमारियों से हमें बचाता है, हमें ड्रम स्टिक जरूर खाना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड, इंडियन शेफ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रम स्टिक सांभर। जो हमने एक कटोरी दाल ले लिया है, टमाटर ले लिया है, ड्रम स्टिक ले लिया है, प्याज ले लिया है, इसके साथ हम लहसुन ले लेंगे, हरी मिर्च ले लेंगे और सांभर मसाला हम घर पे बनाएंगे। दाल को धोकर हम ले लेते हैं साफ करके। कुकर में हम पानी डाल लेंगे, गैस को जला लेंगे, कुकर हम चढ़ा देंगे, मीडियम आंच करके पकाएंगे। थोड़ा सा दाल में हम हल्दी डालेंगे, आधा टेबल स्पून हल्दी डाल रहे हैं। दाल यहाँ हमने रहर का लिया है, आपको जो पसंद है वो दाल आप ले सकते हो। यहाँ हमने ढक्कन लगा दिया दाल में, हम मीडियम आंच पे दाल को पकाएंगे। जब तक हमारी दाल पकेगी तब तक हम सांभर के लिए ड्रम स्टिक छील लेते हैं। ड्रम स्टिक का सांभर बना रहे हैं तो इसको हम छील लेंगे। ऐसे ही कट करके सारे हम ड्रम स्टिक को साफ कर लेंगे, ऊपर का भाग हटा देंगे। यहाँ पर हमने ड्रम स्टिक को छील लिया है। यहाँ पर हम सांभर मसाला बनाने के लिए एक टेबल स्पून धनिया लिए हैं, एक हमने बड़ी वाली इलायची, जावित्री, लौंग कुछ ले लिए हैं, एक काली मिर्च ले लिए हैं, एक टेबल स्पून जीरा ले लिए हैं, आधा इंच हमने दालचीनी ले लिए हैं, साथ में हमने उड़द का दाल ले लिया है, चना का दाल लिया है, एक टेबल स्पून है दोनों। 2 इंच हमने ये ले लिया है इमली, इसको हम पानी में डाल के भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पर 2 छोटी इलायची है। सारे मसाले को हम हल्का से भून लेंगे, गैस को जला लेंगे, कढ़ाई रख देंगे। सारे मसाले को हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, साथ में चना दाल, उड़द दाल ये भी डाल देंगे। सारे मसाले को चला के हम भून लेंगे 2 मिनट तक, इसका कच्चापन निकल जाए। ज़्यादा नहीं हमें भूनना है, जलाना नहीं है इसको। यहाँ पर हमारे मसाले से भून गए हैं, गैस को बंद कर लेते हैं। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसको हम डाल लेते हैं प्लेट में और गैस को फिर से जला लेते हैं। गैस को हमने जला लिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हमने 2 टेबल स्पून लिया है। इसके अंदर हम ड्रम स्टिक को डाल देंगे। ड्रम स्टिक को मैंने धो लिया था, धो के हमने छीला है। इसको हम मीडियम आंच करके इसको हम पकने देंगे ड्रम स्टिक को। और ये जो हमारे मसाले हैं इसको मिक्सी जार में ले लेते हैं। मिक्सी जार में हम ले लेते हैं सारे मसाले को। अब इसको हम ग्लेंडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सांभर मसाले पीस चुके हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने प्याज 2 कट करके छील कर धो कर ले लिए हैं। 2 कली हमने लहसुन ले लिया है, ये हम तड़के के लिए तैयार कर लेते हैं। साथ में हमने ये टमाटर लिया है, टमाटर को भी हम कट कर लेते हैं। कट करके इसको हम ग्लेंडर कर लेंगे, साथ में 2 हरी मिर्च भी डाल लेंगे। अब ग्लेंडर कर लेंगे, ढक्कन लगा लेते हैं। हमने लिया था टमाटर प्याज, ग्लेंडर हो चुके हैं, साइड में इसको भी रख लेते हैं। और यहाँ साथ में ही जो हमने ड्रम स्टिक रहे थे वो भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं, इसको भी साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा से तेल और हम डालेंगे कढ़ाई में। अब तड़के लगा लेते हैं। तड़के में हम 2 तेज पत्ता डाल रहे हैं, सरसों हमने लिया है, कड़ी पत्ता, मेथी, जीरा, आधा आधा टेबल स्पून हमने सारा ये लिया है सामग्री, सब डाल देंगे इसके अंदर। जो हमने मेथी और तेज पत्ता, कड़ी पत्ता जो सब डाले हैं, थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। यहाँ पर ब्राउन हो चुके हैं, जो हमने एक पेस्ट बनाया है टमाटर प्याज लहसुन का, हरी मिर्च का, इसको डाल लेंगे। इसको थोड़ा भून लेंगे हम।
ये इमली जो हमने भिगो दिया था आधे घंटे पहले, इसको हम मसल लेंगे अच्छी तरह से इसी तरह से, और इसको हम छननी में छान लेंगे। छननी से यहाँ पर मसल लिया हमने, इसको छान लेते हैं पानी को, तड़के में यूज करना है। यहाँ पर हमने इमली का पानी जो पल्प था उसको अच्छे से छान लिया है, और ये जो हमारे पास बचा है वेस्ट मटेरियल इसको हम फेंक दे रहे हैं। पानी को अब हम ले लेंगे, तड़के में डाल देते हैं पानी को थोड़ा सा। पहले एक पिंच हींग डाल रहे हैं तड़के में। यहाँ पर दाल को चेक कर लेते हैं, दो सीटी आने तक हमने दाल को पका लिया है। दाल को चला लेते हैं, दाल करी अच्छे से पक गई है। इसमें ड्रम स्टिक को अब हम डाल देंगे दाल के अंदर, थोड़ा से हम इसको गैस जला के 2 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर हमारे मसाले में से पानी उबलने लगा है, इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे। पहले आधा टेबल स्पून हल्दी डाल रहे हैं, आधा टेबल स्पून से कम हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। इसमें जो हमने सांभर मसाले के पाउडर बनाए हैं उसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। ये जो इमली का पानी हमने ले लिया इसको डाल देंगे मसालों में। अब हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार। आप सांभर मोटा और पतला बना सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। मसाले मेरे पक गए हैं, गैस को बंद कर लेते हैं। सांभर में डाल लेते हैं तड़के जो मसाले हैं, ये यहाँ पर सांभर हम लाए, तड़के में डाल देते हैं इसको। हमारी सांभर बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये सांभर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।